तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं आप, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, ये जो वीडियो है उसको आप अपनी राशि और लगन दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेडिक्शन आपको दी जाएगी वो चंद्र राशि और लगन दोनों के हिसाब से ही होगी। तो देखिए, जो आपके सामने ये कुंडली है उसमें जो ग्रहों की स्थिति अभी दिखाई गई है, ये स्थिति आपको अगस्त के गोचर के हिसाब से दिखाई गई है। सबसे पहले यहाँ चर्चा कर लेते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा अगस्त के दौरान। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का जो ट्रांजिट है वो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक कर्क राशि में होगा। इसके अलावा बुध भी 2 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे और ये 17 अगस्त तक ये रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद ये सिंह में जा रहे हैं 17 को। तो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है वो आपके 6th हाउस में बनेगा, उसके बाद ये सप्तम में भी बनेगा। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र लगभग पूरे अगस्त आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल आपके मीन राशि में दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। ये 1 से 16 अगस्त तक रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद ये आपके 3rd हाउस में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद ये मेष में रहेंगे पूरे अगस्त के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए शनि की तो शनि मकर राशि में ही रहेंगे और गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे धनु में, और केतु रहेंगे धनु में, इसके अलावा राहु मिथुन में रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की। अब देखिए, सबसे पहले लगन पर दृष्टि डालते हैं और लगन का जो लॉर्ड है शनि बैठा है आपके 12वें भाव में। तो 12वें भाव में शनि बैठा है तो यहाँ जो शनि की ये स्थिति है वो थोड़ी सी आपको हेल्थ के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। और लेकिन यहाँ आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फॉरेन अगर आप हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं तो भी आपके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 2nd भाव पे। तो 2nd भाव पे जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर धन का थोड़ा सा वे आपका ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर जो स्थिति है थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी या परिवार के किसी सदस्य के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम बात करते हैं 2nd भाव की, यानी दूसरे भाव के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, और गुरु लाभ भाव में यहाँ पर वक्री अवस्था में। लेकिन गुरु 11th में बहुत ही अच्छे होते हैं, और फिर ये कुंभ लगन के लिए या कुंभ राशि के लिए तो ये मूल त्रिकोण राशि में आ जाते हैं यहाँ पर धनु में, तो और भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये गुरु आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से लाभ करवाएंगे और इनके पास 2nd हाउस भी है तो धन का जो आगमन है वो आपके पास होता रहेगा, धन कभी भी आपका रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और है कि गुरु जब आगे चलकर मार्गी होने लगेंगे तब और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 3rd हाउस के। 3rd हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, मंगल यहाँ पर 16 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो ये जो मंगल यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, फैमिली में थोड़ा सा वाद विवाद, किसी बात को लेके झगड़ा हो जाए तो ये पॉसिबल है। लेकिन मंगल यहाँ पर आए हुए हैं तो ये एक तरह से आपकी जो स्पीच है, आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी गुस्सेल तरीके से आप बोल सकते हैं, तो आप अपनी वाणी को जितना ज़्यादा मीठा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मंगल जब यहाँ पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये आपको किसी भी प्रकार से ये कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, बहुत ही साहसी बनाएंगे आपको, और आप में करेज बहुत ज़्यादा होगा, आप हर काम को बहुत जल्दी से पूरा भी कर पाएंगे। तो जब मंगल मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो मंगल की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव पे पड़ेगी, राहु और शुक्र यहाँ पर हैं, तो राहु के साथ इनका दृष्टि संबंध बनना ये थोड़ा सा आपके लिए जो फैमिली है उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है फैमिली के सदस्यों के बीच, और थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन मनी फ्लो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, मंगल आपका 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड है तो ये आपको लाभ करवाएगा आपके जॉब से। जो भी आप प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं
उसमें आपको ये फायदा करवाएगा। फिर जब ये अपनी मूल त्रिकोण या मेष राशि में चला जाएगा तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देता रहेगा। मंगल जब थर्ड हाउस में आएगा तो थोड़ा सा पड़ोसियों के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। जब मंगल मेष राशि में यहाँ ट्रांजिट करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगी और यहाँ पर भी ये आपको एक तरह से बचाते रहेंगे। किसी भी प्रकार की जो समस्या है, दुश्मनों से आपको अगर लड़ना है तो उसमें भी आप हार नहीं मानेंगे और अंत में जीत आपकी होगी। तो कुल मिलाकर मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र और शुक्र का जो ट्रांजिट है वो होगा आपके पंचम भाव में और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ रहेंगे। तो ये समय अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। आप आर्टिस्ट किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं या और किसी प्रकार का आप में कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपको फ़ायदा होगा, आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा शुक्र आपके भाग्य भाव के लॉर्ड हैं तो भाग्य का भी साथ आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य और बुध दोनों साथ साथ यहाँ चल रहे हैं। हमने यहाँ पे बुध की बात नहीं की, चलिए पहले बुध की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के लॉर्ड बुध हैं और बुध का जो ट्रांजिट है वो आपके सिक्स्थ हाउस में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये मान लीजिए कि एजुकेशन को लेकर आपको चिंता रहेगी, लेकिन जैसे ही कर्क राशि को बुध छोड़ेंगे उसके बाद आपको एजुकेशन के लिए समय काफ़ी अच्छा होता जाएगा। इसके अलावा देखिए बुध आपके एर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और ये पंचम भाव के लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति में भी ये रहेंगे। तो कुल मिलाकर बुध आपको नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही देते रहेंगे। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इनके साथ ही रहेंगे बुध के, और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बनेगा यहाँ पर लगभग 17 अगस्त के बाद, ये आपके किसी भी बिजनेस के लिए या फिर ऐसे कहें कि अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या कोई और क्षेत्र में पब्लिक डोमेन में आप काम करते हैं तो उसके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय आपका जो पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा सा बातूनी ज़्यादा हो सकता है, तो इस स्थिति से आपको निपटना होगा। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको साझेदारी जो करनी है, अगर नई पार्टनरशिप आपको करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के करनी होगी। यहाँ पर आया हुआ बुध, सप्तम भाव में आया हुआ बुध आपको बिजनेस में प्रोग्रेस जरूर देगा। अब बुध आपका यहाँ पे एर्थ लॉर्ड है तो एर्थ लॉर्ड होने की वजह से ये पार्टनर को थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है, हालांकि पर स्थिति काफ़ी अच्छी आपके लिए रहेगी। आप किसी से भी डिबेट जैसी कंडीशंस में हारेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट्स में किसी से भी नहीं हारेंगे जब तक आपके सूर्य और बुध सप्तम में रहेंगे, तो स्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेगी। तो अब हमने लगभग यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब देखिए राहु के बारे में चर्चा करते हैं। राहु आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे और पंचम भाव में ये आपको अचानक धन लाभ दे सकते हैं। अब ये सितंबर में चेंज होने वाले हैं तो अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं कुंडली में, थर्ड हाउस में हैं, सिक्स्थ में हैं या फिर वो आपके टेंथ या इलेवंथ में हैं जो आपके लग्न कुंडली में, तो बहुत अच्छा है। यहाँ से कुछ शेयर मार्केट वगैरह या ऐसे कहें कि किसी ऐसी क्रिएटिविटी में, क्योंकि शुक्र साथ है तो ये क्रिएटिविटी निश्चित रूप से होगी और यहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी बन रही हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो महीना है अगस्त का वो आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा, थोड़ी बहुत स्थितियों को लेके बाकी आपके लिए बहुत अच्छा ये जो महीना है वो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ बैड डेज़ की जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरे रहेंगे। 2 और 3 अगस्त, इसके अलावा 17, 18, 21 और 22 अगस्त, ये जो दिन हमने आपको बताए हैं इसमें आपको किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, कभी कुछ पैसे का लॉस हो जाना या फिर
जैसे आप समय पे किसी काम को ना कर पाएं, बार बार व्यवधान आए, ऐसी स्थितियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को छोड़कर बाकी काफ़ी अच्छा ये आपके लिए रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को तुरंत देख सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।